हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको क वर्ग के व्यंजन यानी कि क से लेकर अंग तक के व्यंजनों का अभ्यास टेक्स्ट बुक और नोटबुक में करवाया था। आज हम च वर्ग के व्यंजनों का अभ्यास करेंगे। च वर्ग के व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं बच्चों, बोलिए। च, छ, उसके बाद ज, ज और ञ। समझ में आया बच्चों कौन कौन से व्यंजन आएंगे? च, छ, ज, ज और ञ। तो च वर्ग में इतने व्यंजन आएंगे। तो आज हम आपकी जो हिंदी किताब में 38 पेज नंबर पर च वर्ग के व्यंजन दिए हुए हैं, वो आप निकालिए। निकाला बच्चों, देखिए उसमें क्या है। च वर्ग यानी कि च के जो वर्ग है उसके व्यंजन है। तो सबसे पहले इसको च वर्ग क्यों दिया गया है, क्योंकि ये च से शुरू होते हैं, तो ये च वर्ग के व्यंजन है। तो च वर्ग में सबसे पहले आएगा च। तो च से क्या क्या होता है बच्चों? च से चरखा होता है, च से चटाई होती है, च से चटनी भी होती है। तो अब हम च की लिखावट किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले च में क्या होगा, इधर से शुरू करना है आपको। इस तरह से ऐसे करके धीरे धीरे इस तरह ऐसी लाइन करनी है। उसके बाद आपको वापस लाना है। वापस ऐसे गोल बनाते हुए धीरे 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 करके ऐसे ऊपर ले जाना है। समझ में आया बच्चों? उसके बाद आपको ए वाली लाइन बनानी है और आखिर में मैंने बताया ना सब में ऐसे सिरो रेखा। समझ में आया? आपको सबसे पहले ऐसे ए वाली लाइन, उसके बाद ऐसे गोल करते हुए आपको ऐसे ऊपर ले जाना है, उसके बाद ए वाली लाइन करनी है और सिरो रेखा। ये हुआ हमारा च व्यंजन। क्या है च? कौन सा वर्ण है ये? च। तो आपको आपको उसकी लिखावट समझ में आ गई होगी। उसके बाद इधर नीचे डॉट करके च व्यंजन दिया हुआ है। मैंने एक लाइन कंप्लीट की है, देखो। आपको उसी तरह से ये सारी लाइनें कंप्लीट करनी है। धीरे धीरे आपको लिखने हैं, ऐसे नहीं कि स्पीड में लिख दिया जैसा ऐसा चलेगा। आपको इसके ऊपर ही लिखना है, जितने डॉट किए हैं उसके ऊपर ही धीरे धीरे लिखना है। बाहर जाना चाहिए नहीं, इस तरह से और इस तरह से। समझ में आया? इस तरह से आपको ये सभी लाइनें कंप्लीट करनी है। अब च के बाद क्या आएगा बच्चों? छ। क्या आएगा? छ। तो छ से क्या क्या होता है? छ से छतरी होती है, फिर छ से छड़ी भी होती है और छ से छलनी भी होती है। छलनी यानी आपकी मम्मी घर पे आटा साफ करने के रखती है ना, कोई अनाज साफ करना हो, गेहूं साफ करने हो तो रखती है ना, उसको छलनी बोलते यानी चारणी। गुजराती में हम क्या बोलते हैं उसको? चारणी। तो अब छ की लिखावट हम देखेंगे। छ आपको किस तरह से लिखना है? इधर से शुरू करना है। देखिए एक नंबर दिया है ना, वहां से आपको ऐसे करके ऐसे करना है, फिर वापस बाहर लाना है, फिर ऐसे करके धीरे धीरे करके आपको ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाकर ऐसे आपको घुमाकर ऐसे अंदर से गोल करना है। उसके बाद ये वाली इधर लाइन आएगी जोड़ने के लिए सिरोरेखा के साथ, और उसके बाद ये वाला सिरोरेखा की लाइन। समझ में आया बच्चों? फिर से देखिए, एक नंबर पे जो दिया है ना, वो ऐसे करके आपको धीरे धीरे इस तरफ ले जाना है,
उसके बाद वापस ऐसे करके ऊपर ले जाना है, फिर ऐसे करके गोल। इसके बाद ये वाली छोटी सी लाइन आपको इधर बनानी है और उसके बाद आपको इधर सीरो रेखा करनी है। इधर हमने लाइन क्यों बनाई, क्योंकि ये वाला जो भाग है वो थोड़ा ऊपर है और ये नीचे होता है। अगर हम सीरो रेखा बनाएंगे तो ये भाग ये वाला टच नहीं करना है आपको, सिर्फ ये वाला भाग आपको सीरो रेखा के साथ टच करना है, यानी जोड़ना है। समझ में आया बच्चों? फिर से देखिए, मैं नीचे समझाती हूँ। इधर देखिए, दिया है ना, तो इधर से शुरू किया, फिर वापस इधर लाया, फिर हम इधर लाए, बराबर। तो अब हम सीरो रेखा बनाएंगे तो ये वाला भी भाग टच नहीं होगा हिस्सा, और ये वाला भी हिस्सा टच नहीं होगा, तो क्या कैसा लगेगा? तो हमें क्या करना है, इधर एक लाइन बनाकर ये वाला हिस्सा सीरो रेखा के साथ जोड़ना है। क्या करना है, ये वाला हिस्सा है ना, वो सीरो रेखा के साथ जोड़ना है। तो इसी तरह जैसे मैंने एक लाइन कंप्लीट की है, इसमें भी आपको सभी लाइनें कंप्लीट करनी है। उसके बाद जो चलो जैसे क्या क्या होता है बच्चों, जैसे जग होता है, फिर जैसे जहाज भी होता है, और जैसे जलेबी भी होती है। आपको देखकर मुंह में पानी आ गया जलेबी देखकर बच्चों, खाने का मन हो गया ना, तो याद रहेगी ना, जैसे जलेबी तो आपको याद रहेंगी ना, वेरी गुड। चलो अब जैसे जग किस तरह से लिखना है वो देखेंगे। तो उसकी शुरुआत हमें एक नंबर इधर से करनी है, तो सबसे पहले ये करेंगे, फिर वापस ऐसे करके ए दो नंबर। समझ में आया बच्चों? उसके बाद आपको ये वाली लाइन करनी है और सबसे आखिरी में ए सीरो रेखा बनानी है। ये हुआ हमारा ज। तो फिर से देखिए, सबसे पहले ए वाली लाइन, फिर वापस इसे गोल करके इसे इधर तक ले जाना है, और आखिरी में ए वाली लाइन करके आपको सीरो रेखा बनानी है। तो इसी तरह से आपको नीचे इधर जो लाइन में दिया है उसमें भी आपको अभ्यास करना है। याद रहेगा ना, सबसे पहले अगर आपको इसमें जल्दी से लिखना नहीं समझ में आता तो पहले आपको इधर थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ही इधर नीचे लिखना है। देखिए, सबसे पहले ए वाली लाइन, फिर ऐसे गोल करके ऊपर, फिर ए वाली लाइन और सीरो रेखा। तो इस तरह से आपको ये सभी कंप्लीट करनी है। उसके बाद क्या आएगा, ज यानी बड़ा वाला ज। तो बड़े वाले ज से क्या क्या होता है, झंडा होता है, हमारा तिरंगा होते है ना, वो ज से झंडा। उसके बाद ज से झूला और ज से झरना। समझ में आया बच्चों? तो अब उसकी लिखावट देखेंगे। सबसे पहले एक नंबर कहाँ है, इधर है, तो सबसे पहले ऐसे छोटी सी लाइन करनी है, बहुत बड़ी ऐसी नहीं खींचनी है, ऐसी छोटी सी लाइन बनानी है। उसके बाद इस तरफ से ऐसे करके, हमने अंग में किया था ना ऐसा, ऐसे करके आपको अंग जैसा करना है, इधर तक ला दिया हमने, अंग जैसा हो गया, फिर इधर से गोल करके अंदर की तरफ से नीचे लाना है और इधर तक। इतना समझ में आया बच्चों? देखो, इतना किया, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा गोल करते हुए इस तरफ से ले जाकर गोल करके वापस इधर नीचे लाना है। उसके बाद ए वाला आपको इधर से लेकर इधर तक, फिर ये लाइन बनानी है, और सबसे आखिर में क्या होगा, सीरो रेखा करनी है। ये हुआ हमारा ज। तो आपको उसकी लिखावट अब समझ में आ गई, तो ये भी चारों लाइनें आपको कंप्लीट करनी है।
उसके बाद ज के बाद क्या आएगा, न्य। क्या आएगा बच्चों, न्य। इसको क्या बोलते हैं, न्य। किसके बाद आता है, बड़े वाले ज के बाद आता है न्य। तो अब हम वो देखेंगे। चलो क्या होता है, इधर देखिए, मंजन, मंजन लिखना हो तो उसमें बीच में न्य का इस्तेमाल हुआ है। देखो इधर देखा आपने, तो म से मंजन, मंजन का मतलब होता है आप सुबह ब्रश करते हैं ना, उसको दंत मंजन बोलते हैं ना, तो उसमें ब्रश करने के लिए जो चीज इस्तेमाल करते हैं ना, हाथ में लिए बच्चे ने देखा इधर, आप टूथपेस्ट अभी तो इस्तेमाल करते, पहले ऐसा पाउडर जैसा आता था उसको मंजन कहते हैं। तो उसमें न्य वर्ण का प्रयोग हुआ है, तो उसकी लिखावट हम देखेंगे। इसमें एक नंबर कहा है, इधर है, तो आपको ऐसे करके धीरे 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 करके ऐसे करके ऐसे थोड़ा ऊपर लाना है, ये वाला हो ना सीधा, उसे थोड़ा आगे ले जाना है इस तरह से। देखो धीरे 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 करके ऐसे करके आपको ऊपर लाना है, फिर ए वाली लाइन बनानी है और फिर ए वाली लाइन इसका जोड़नी है और आखिर में शिरोरेखा करनी है। समझ में आ गए, ये क्या हुआ हमारा, न्य। ये कब आता है, बड़े वाले ज के बाद। तो आपको इसमें भी चारों लाइनें कंप्लीट करनी है। तो ये हुए हमारे च वर्ग के व्यंजन, च, छ, ज, ज और न्य। समझ में आ गए बच्चों। अब पेज नंबर 42 पर गतिविधि दी है, तो वो देखेंगे। क्या करना है, चित्र पहचानिए और वर्ग पहेली में उसके नाम के खानों में रंग भरिए। इधर एक पहेली दी है, उसमें क्या है, जो चित्र दिए है जैसे कि चरखा, फिर इसको क्या कहते हैं बच्चों, बोलिए बोलिए बच्चों, हाँ हवाई जहाज है ना वो, फिर छतरी, फिर इसे क्या बोलते हैं, पानी निकल रहा है, देखा आपने इधर से, उसको झरना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, झरना भी बोलते हैं, नाड़ा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, झरना भी बोलते हैं और नाड़ा भी बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, तो इधर जहाज, हवाई नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ जहाज लिखा हुआ दिया है। तो आपको इधर देखो, पहले पेंसिल से धीरे धीरे करके ऐसी लाइन कर देनी है कि ज हा ज इसका नाम है ना, तो ऐसे बॉक्स के आसपास एक लाइन बना देनी है, फिर उसमें क्या करना है, रंग भरने है, जो ज हा ज ऐसे इसमें ऐसे रंग भरने है कि जिससे ये लिखा हुआ आपको दिखाई दे, लाइट कलर भरने है, जैसे कि येलो कलर हो, स्काई ब्लू हो, ऐसे कलर आपको इधर करने हैं जिससे ये लिखा हुआ दिखाई दे। अगर आप ब्लैक कलर के ऐसा कलर करेंगे तो लिखा हुआ दिखाई देगा नहीं, आपको ऐसे लाइट कलर इसमें करने हैं जिससे ये नीचे जो लिखा वर्ण है वो भी दिखाई देने चाहिए। उसके बाद ए वाला, इसको क्या बोलते हैं, छतरी। तो आप इसमें से देखना है, छतरी कहाँ लिखा हुआ है, ढूंढना है उसमें से, कहाँ है, ए रहा, छ तरी है ना। तो पहले पेंसिल से ऐसे आपको लाइन बना देनी है, उसके बाद आपको उसमें भी कलर करने है। उसके बाद ए वाला, तो इधर इसका नाम क्या दिया हुआ है, नाड़ा। नाड़ा यानी झरना भी बोल सकते हैं, नाड़ा भी बोल सकते हैं, तो इसमें भी आपको उसी तरह से कलर करने है। समझ में आ गया बच्चों। अब उसके बाद ए वाला, इसमें क्या है, क्या चित्र दिया है, चरखे का चित्र दिया है, तो चरखा इधर कहा लिखा हुआ है, ए रहा, च र खा। तो उसमें भी आपको ऐसे पेंसिल से करके उसके बाद उसमें कलर करने है, आपको कलर अपने आप इधर करने है, नाम ढूंढना है और उस पर ये बॉक्स बनाकर ऐसे उसके नाम पर कलर करना है।
उसके बाद पीछे देखिए क्या दिया है, व्यंजन गतिविधि। हमने जो च से लेकर ञ तक के व्यंजन सीखे उसके बारे में इधर चित्र के द्वारा गतिविधि दी है, तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ये किसका चित्र है, झंडे का। तो झंडे में कौन सा ज आएगा, बड़ा वाला, कौन सा आएगा, बड़ा वाला। तो आपको इधर ज लिखना है, इस तरह से लेकर ऐसे करके, मैंने सिखाया ना अभी, उस तरह से करके ऐसे गोल करके ऐसे ऐसे और ऐसे, ये हुआ झंडा, हुआ ना। उसके बाद ये देखिए क्या है, ये हम बारिश में लेकर जाते हैं ना, उसको छाता भी बोलते हैं और छतरी भी बोलते हैं। तो इधर जगह दी है तो उसका पहला वर्ण आपको लिखना है, पीछे वाले वर्ण तो लिखे हुए जो इसमें भी लिखे थे ना डा, तो इधर भी पीछे वाले वर्ण लिखे हुए है, तो आपको इधर क्या लिखना है, छ। तो इधर इस तरह से आपको छ लिखना है। उसके बाद क्या है, ए वाला देखिए क्या दिया है, ये ज ग। तो जग में ग दिया हुआ है, आपको ज लगाना है। तो कौन सा ज आएगा, इधर छोटा वाला ज आएगा। तो आपको इस तरह से ऐसे करके ऐसे करके आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद ये क्या है, चरखा, क्या है, चरखा। तो आपको आगे का जो उसका पहला वर्ण है वो इधर च, तो च इस तरह से लिखना है। समझ में आ गया, ये हुए हमारे वर्ण च, छ, ज और ज, हो गए ना। तो आपको इस तरह से आपकी किताब में भी पूरा कंप्लीट करना है। गुड बाय बच्चों।